अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन अब हम 13,000 से ज़्यादा रिश्ते हम करवा चुके हैं जो कि ऑन रिकॉर्ड हैं। फिर ये जब काम शुरू किया तो फिर मैंने अपनी सब फ्रेंड से यही कहा था कि हमने इसको 100% फ्री रखना, तो उन्होंने फिर एग्री किया तो हमने ये काम शुरू किया, क्योंकि वो सब माशाल्लाह अफोर्डिंग थी, किसी को अर्निंग के लिए ये काम करने की ज़रूरत नहीं थी। हमने क्लोज़ ग्रुप्स बनाए हुए हैं व्हाट्सएप के, हमारे बहुत से ढेरों ग्रुप बने हुए हैं, उसमें हम पेरेंट्स को डालते हैं और फिर हम अपने रिश्ते वगैरह पोस्ट करते हैं उसमें, जिनको सूट कर रहा होता है वो उनसे रब्ता करते हैं और इस तरह रिश्ता बात आगे चलती है और फिर उसके बाद तय हो जाती है। हमारे बहुत से मेंबर्स USA, कनाडा, सऊदीया, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह से वो लोग वहाँ पे हैं और रहते हुए हमारे साथ कनेक्टेड हैं। व्यूवर्स, आजकल सबसे ज़्यादा मुश्किल हो गया है इस महंगाई के दौर में शादियां करना, लेकिन अगर आपको आपकी पसंद का रिश्ता मिल जाए और शादी भी मुफ्त हो जाए तो क्या ही कहने। ये नेक काम कर रही हैं रूबा हुमायूं, उनसे बात करते हैं, चले मेरे साथ। सुना था जोड़े आसमानों पर बनते हैं, पर आप तो जोड़े ज़मीनों पर बना रही हैं, इस नेक काम का आगाज़ कैसे हुआ था? जी, इसमें सबसे पहले तो ये अल्लाह की मेहरबानी से ये आइडिया हमारे माइंड में आया कि हम ये काम फीसफिल्ला करें। मैं हज करके आई तो मैंने अल्लाह ताला से बहुत दुआ की कि कोई काम हमसे ले ले, क्योंकि जाहिर है हज के बाद इंसान जीरो मीटर हो जाता है ना, बिल्कुल गुनाह पाक हो जाते हैं और इंसान साफ हो जाता है। मेरी ये ख्वाहिश थी कि सोसाइटी में कोई ऐसा ज़रूर काम हम करें जो कि लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी और जिसकी ज़रूरत हो माशरे में। तो ये मुझे लगा कि ये अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये आइडियाज़ माइंड में आए कि हम रिश्तों का काम करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सवाब का काम, इसके लिए बताया गया कि एक एक हज का सवाब बताया गया कि एक रिश्ता कराने का। तो इसमें फिर हम लोगों ने यही सोचा था कि हम इसको पीस पीलीला करेंगे, और मैंने अपनी कुछ लाइक माइंडेड फ्रेंड्स के साथ मिलके बात की कि हम ये काम करते हैं, और मैंने अपनी अम्मी को भी देखा था कि वो भी ये काम जो है अपने फैमिली में, बिरादरी में, वो बहुत से रिश्ते करवा चुकी थी और वो बहुत सा समझा के दोनों फैमिलीज़ को बताती थी, समझाती थी और तय करवाती थी, और वो क्योंकि फैमिली के बुज़ुर्ग थी तो सब उनकी बात समझते थे और मानते भी थे, लेकिन अगर कभी कोई रिश्ते के बाद में कोई झगड़ा वगैरह भी होता था उसको भी वो सॉल्व करवाती थी बैठ के। और मेरे फादर कहते थे कि तुम्हें क्या फ़ायदा हो रहा है, तुम इस तरह से लोगों की इतनी शिकायतें सुनती हो। तो वो कहती थी कोई बात नहीं है, घर आबाद करने के लिए कुछ थोड़ी सी एफर्ट कर लें तो क्या फ़र्क पड़ता है। उनको भी देखा हुआ था हमने, और फिर ये जब काम शुरू किया तो फिर मैंने अपनी सब फ्रेंड से यही कहा था कि हमने इसको 100% फ्री रखना, तो उन्होंने फिर एग्री किया तो हमने ये काम शुरू किया, क्योंकि वो सब माशाल्लाह अफोर्डिंग थी, किसी को अर्निंग के लिए ये काम करने की ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने फिर जब उनके साथ एग्री किया तो फिर हम लोगों ने मुख्तलिफ इलाकों में ये काम SMS पे हमने शुरू किया। हम लोग अपना ऐड वगैरह देते थे और SMS के थ्रू हम लोगों को रिश्ते बता रहे होते थे, फ़ोन कॉल्स के थ्रू ऑनलाइन करते थे पहले, लेकिन जब से ये व्हाट्सएप आया है इसकी वजह से बहुत आसानी हो गई है। हमने क्लोज़ ग्रुप्स बनाए हुए हैं व्हाट्सएप के, हमारे बहुत से ढेरों ग्रुप बने हुए हैं, उसमें हम पेरेंट्स को डालते हैं और फिर हम अपने रिश्ते वगैरह पोस्ट करते हैं उसमें, जिनको सूट कर रहा होता है वो उनसे रब्ता करते हैं और इस तरह रिश्ता बात आगे चलती है और फिर उसके बाद तय हो जाती है। माशाल्लाह, कितना नेक काम कर रही हैं। वैसे इस काम का आगाज़ किया कब था, किस सन में किया था, कितना अरसा हो चुका है? जी, 2005 में किया था। 2005 मतलब कि 17 साल हो गए जी, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम लोग बिल्कुल इस तरह से कर रहे हैं कि जिन लोगों के हो जाते हैं फिर वो और लोगों को बताते हैं, बाय वर्ड ऑफ माउथ हमारा ज़्यादा ये सर्कल बना है, और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन अब हम 13,000 से ज़्यादा रिश्ते हम करवा चुके हैं जो कि ऑन रिकॉर्ड हैं, और उसमें तमाम वेल ऑफ पढ़े लिखे लोगों के हमने रिश्ते कराए हैं, लेकिन हमने किसी से एक पैसा भी चार्ज नहीं किया। यहाँ तक कि हम उन्हें कहते हैं आपने बिल्कुल कोई मिठाई नहीं लेके आनी, बस आप एक कॉल करके हमें बता दें कि रिश्ता तय हो गया। तो ये काम आप सिर्फ पाकिस्तान की हद तक कर रही हैं या पाकिस्तान से बाहर भी, जहाँ मुसलमान बहन भाई रहते हैं उनकी मैचमेकिंग भी करवा रही होती है? जी जी, हमारा नेटवर्क जो है पाकिस्तान से बाहर भी बहुत सा है, इसलिए कि हमारे बहुत से मेंबर्स ऐसे हैं जो कि बाहर रहते हैं और वो इस काम में इंटरेस्टेड होते हैं, हम उन्हें ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दे देते हैं कि आप सीखें और हमारे साथ मिलकर करना चाहें तो करें। हमारे बहुत से मेंबर्स USA, कनाडा, सऊदीया, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह से वो लोग वहाँ पे हैं और रहते हुए हमारे साथ कनेक्टेड हैं, और हमारे जो रिश्ते होते हैं उनके, हमारे कुछ फॉरेन ग्रुप भी बने हुए हैं, उन फॉरेन ग्रुप्स में हम वो रिश्ते डालते हैं जो बाहर जाने में इंटरेस्टेड होते हैं या बाहर करने में इंटरेस्टेड होते हैं, तो उन लोगों का डाटा उस फॉरेन ग्रुप्स में होता है, और इस तरह से वो लोग फिर हमारे साथ पोस्टिंग में भी हेल्प करा रहे होते हैं और मैचिंग कराने में, लोगों को आगे कम्युनिकेट करने में फ़ोन कॉल्स वगैरह अटेंड करते हैं। ये हमारे एक्टिव मेंबर हैं। मुझे साथ साथ ये बताया कि क्लास और साथ साथ आप कास्ट वगैरह भी देखकर शादियां करवाती हैं या
जनरली बहुत से लोग कास्ट के लिए बहुत बाउंड होते हैं, जैसे सादात हैं वो बहुत ज़्यादा सादात नहीं करना चाहते हैं, तो फिर इसके अलावा जट फैमिली है या अराई हैं या बाज़ों का तिस्सा कश्मीरी हैं, बाज़ लोगों ने अपने साथ बहुत ज़्यादा इस चीज़ को बाउंड किया होता है अपने आप को कि हमने इसी कास्ट में करना है, बाहर तो बिल्कुल करना ही नहीं है। फिर जब उन्हें ज़रा मायूसी होती है या नहीं अपनी कास्ट में प्रॉपर मिलता और किसी दूसरी कास्ट में मिल जाता है तो फिर वो कहते हैं, फिर हम भी उन्हें थोड़ा सा गाइड करते हैं कि देखें आप इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। बाज़ लोग खूबसूरती पे बहुत ज़्यादा अड़ जाते हैं कि हमने खूबसूरत लड़की से करना है, फिर हम कहते हैं कि ठीक है थोड़ा बहुत आप देख लें, अगर इतनी ज़्यादा कोई बहुत हसीन नहीं भी मिल रही थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। तो इस तरह से जब उन्हें काउंसलिंग की जाती है, उन्हें समझाया जाता है, तो वो फिर समझ भी जाते हैं और देखते हैं कि रियलिटी क्या है। तो समटाइम्स उन्हें फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और वो करके तो यानी खुश रहते हैं उस चीज़ पे कि वो कहते हैं कि इस तरह तो हम बैठे रहेंगे कि परफेक्ट तो देखें कोई भी नहीं हासिल कर सकता। बाज़ोकात ये होता है कि खूबसूरती मिली है तो फिर तालीम कम है या हाइट कम है, तो कोई ना कोई चीज़ देखें परफेक्ट तो कोई भी नहीं है इस दुनिया में, तो किसी ना किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। साथ साथ मुझे ये बताएं कि इज्तिमाई शादियां भी आप करवाती हैं। जी, वो हमारा गरीब बच्चियों के लिए प्रोजेक्ट है कि जिसमें हम गरीब बच्चियों की अभी भी हमारी इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में इज्तिमाई शादी आ रही है, उसमें बिल्कुल वो नॉन अफोर्डिंग फैमिलीज होती हैं जो बिल्कुल शादी अफोर्ड नहीं कर सकते, रिश्ता तय हुआ होता है लेकिन करने के लिए वो बैठे होते हैं, तो हम उनको फिर सर्च करते हैं, एप्लीकेशन सबकी आती हैं, उनमें से हम इंटरव्यू करके देखते हैं कि ये जेन्युइनली इनको ज़रूरत है। इस सब का प्रोसेस क्या है, स्टार्ट कैसे होता है, किसी आईडी कार्ड से या कोई इंक्वायरी वगैरह आप लोग करते हैं साथ में? जी बिल्कुल, हम लोग आईडी कार्ड लेते हैं जो रिश्ता कराने के लिए हमारे पास आते हैं, हम उसका पेरेंट्स का भी आईडी कार्ड लेते हैं ताकि जेन्युइन हमें पता हो कि कौन है, और बच्चे की अक्सर एज गलत बता देते हैं, लड़की की एज गलत बता देते हैं, तो वो भी हमें आईडी कार्ड से काफ़ी हद तक चीज़ें पता चल जाती हैं। तो उसके बाद फिर हम पूरा डाटा लेते हैं उनसे और फिर वो हम अपने क्लोज ग्रुप्स में डालते हैं, हम फेसबुक पे नहीं डालते क्योंकि वो भी एक ओपन होता है, वो पब्लिक चीज़ है, तो हमारे क्लोज व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं जिससे हम ये काम करते हैं। हमारी वेबसाइट पर भी डाटा पड़ा होता है लेकिन उसके बावजूद हम उसके ऊपर इस तरह पब्लिक नहीं किया हुआ उसको, उससे आप देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर नहीं आप देख सकते, कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास ही होते हैं। तो जो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं या कांटेक्ट करना चाहते हैं रिश्तों के लिए, ख़ासतौर पे गरीब घरानों की जो बच्चियाँ होती हैं उनकी माएँ, वो कैसे कांटेक्ट कर सकती हैं? जी, अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे तो हमारा यहाँ पे तो लाहौर में मॉडल टाउन में हमारा हेड ऑफिस है, 105/4J ब्लॉक मॉडल टाउन, लेकिन अगर कोई दूर है तो वो हमारे ऑफिशियल नंबर्स हैं उस पर कॉन्टैक्ट करते रहते हैं लोग, लेकिन व्हाट्सएप के मैसेजेस आते रहते हैं, हमारी वेबसाइट है उस पर जा सकते हैं doafreerishta.org, उसके ऊपर जा सकते हैं, रिश्ते सर्च करें और हमसे कॉन्टैक्ट नंबर ले लें, फिर वो कॉन्टैक्ट नंबर लेने के लिए हमें व्हाट्सएप के मैसेज आते हैं, उनको हम जेन्युइनली चेक करते हैं और फिर उसके बाद उनको कॉन्टैक्ट नंबर दे देते हैं। तो हम पेरेंट्स को ही डील करते हैं क्योंकि अक्सर होता है कि लड़के चाह रहे होते हैं कि हमें लड़की का नंबर मिल जाए, हम वो ये काम हम नहीं करते। ये भी रूबा जी जो इतना नेक काम कर रही हैं, ऐसे लोगों की माशरे की बहुत सख्त ज़रूरत है जो कि अपना सोचने से पहले लोगों के बारे में सोचें। उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिए सुनो डिजिटल।